हमीरपुर जिले के सरीला कस्बे के जम्मू कश्मीर पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को लेकर एक कार्यक्रम बुंदेलखंड पब्लिक स्कूल सरीला हमीरपुर में हुआ। विद्यालय द्वारा सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। अपनो पब्लिक स्कूल सरीला में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की वाह वाही लूटी। कार्यक्रम का उद्घाटन उप जिलाधिकारी सरीला ने दीप प्रज्वलन कर प्रोग्राम आज का हमारे जो शहीद जवान हैं उनके नाम पर समर्पित था, उनको श्रद्धांजलि थी। हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उनके अंदर जो छिपी हुई उनकी अंदर जितना हुनर था छिपा हुआ वो निकल कर बाहर आया, और जो हमारे कोरियोग्राफर थे उन्होंने बड़ी मेहनत की, हमारे पूरे स्टाफ ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने, हमारे क्लर्क साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसका एक रूप हमारे सामने आया है, जिससे हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ। यहाँ की पब्लिक ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, हमारे गार्जियन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। उनके बगैर हमारे प्रोग्राम का सफल होना संभव नहीं था। उन लोगों ने बड़े धैर्य के साथ 5-5, 6-6 घंटे हमारे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम को देखा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। शहीद हुए हैं, मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ। प्लस और इस वार्षिक जो हमारा प्रोग्राम हुआ है, ये हमारा पूरा प्रोग्राम शहीद वीरों के लिए समर्पित था, और साथ साथ में सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता मिशन, इसमें हमने समाज को जागरूक करने के लिए ही छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने अपने प्रोग्राम पेश किए, जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता प्लस पूरा स्टाफ और जो भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ आए हैं, उनको कुछ प्रेरणा मिली है, जिससे हमारे समाज में, हमारे देश में एक जागरूकता फैलेगी, जिससे हमारे देश का एक अच्छे भारत देश का एक निर्माण हो सकेगा। तो और यहाँ की हमारी जो पब्लिक है शरीरा के प्लस सबने बहुत ही सपोर्ट किया। अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं होता तो ऑलरेडी हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं होता। तो इसमें सभी की सहभागिता रही, प्लस हमारे गार्जियंस, बच्चे, सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।